हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफी टाइम के बाद मैं आज फिर आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा खूबसूरत वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक, या फिर आप इवनिंग गेस्ट मेकअप लुक भी, किसी भी पार्टी में आप इस तरीके से ये वाला मेकअप लुक अगर आप ट्राई करते हैं, यकीन मानिए आप सबसे गोर्जियस दिखेंगे, अलग दिखेंगे और बेहद खूबसूरत दिखेंगे। आप देख रहे, एक सिंपल सी साड़ी मैंने कैरी की है और उसके ऊपर इस तरीके से ये मेकअप किया है। खासकर आज का आई मेकअप अगर आप इस तरीके से क्रिएट करते हैं तो आप सबसे अलग और खूबसूरत दिखेंगी। तो चलिए कैसे लुक क्रिएट किया है देखते हैं। अब सबसे पहले मैंने फेस पे किया है मेरा फेवरेट टोनर, गुड वाइब्स का कुकुम्बर टोनर, क्योंकि हमें सबसे पहले अपने फेस को वॉश करने के बाद CTM यानी कि क्लिंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और टोनर्स हमारे पोर्स को बहुत ज़्यादा, हमारी स्किन को टाइट कर देता है, पोर्स को छोटा कर देता है। अब अगेन ली है मैंने गुड स्वाइप्स की ये सैफरिन क्रीम और काफ़ी अच्छी समर के हिसाब से ये क्रीम है, बजट फ्रेंडली भी है और एकदम भी ऑयली और ग्रीसी नहीं है, बहुत ही नेचुरल और बहुत ही सटल सा आपके फेस को मॉइस्चर देती है, मुझे बहुत पसंद आई है। और इसको भी मैंने अपने ऑल ओवर फेस और नेक पे इस तरीके से अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है और वही थोड़ी बची क्रीम मैंने हाथों पे लगा ली। अब मैंने लिया है पतंजलि का ये लिप बाम, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरे होंठ बड़े ड्राई लग रहे हैं मुझे और ये मैंने आज पहले ही इस तरीके से लगा लिया है। अब मैं पहले करूंगी अपनी आई, और आई के ऊपर मैंने लगाया है स्विस ब्यूटी का कवर स्टूडियो कंसीलर। इसमें से मैंने लाइट ऑरेंज कलर का ये कंसीलर लिया है। अगर आपके फेस पर अंडर आई है तो आप ये थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा लें, मेरे फेस पर कम है और उसको मैंने डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इस तरीके से सेट कर लिया है। और अब मैंने लिया है, आप देख रहे हैं, पहले आज मैं ब्रोज फाइनल करूंगी और ब्रोज के लिए मैंने लिया है म्यूजिक फ्लायर का जेल लाइनर और उसको मैं बहुत ही एक ऐसे ट्रायंगुलर ब्रश की हेल्प से अपनी ब्रोज को फिल करूंगी जहां पर मेरी ब्रोज में बाल नहीं है। बहुत ही नेचुरल लुक इससे आता है। अब मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर और उससे पहले मैं अपनी ब्रोज को इस तरीके से एक शार्प लुक दूंगी। अगर आप इस तरीके से ब्रोज फाइनल करके इस तरीके से कंसीलर से उसे सेट करते हैं तो ब्रोज का बहुत बहुत सुंदर लुक आता है, अलग से ही ब्रोज आपकी दिखेंगी और वो भी बहुत ही नेचुरल वे में। इसी तरीके से मैं अपनी दूसरी ब्रोज को भी क्लियर कर लूंगी। और आप देख रहे हैं इस तरीके से मैंने अपने दोनों ही ब्रोज को अच्छे से क्लियर कर लिया है इस कंसीलर की हेल्प से, क्योंकि इस तरीके से जब आप ब्रोज फाइनल करते हैं तो बड़ा साफ लुक आता है। और अब सेम कंसीलर स्विस ब्यूटी का मैंने अपने आईज के ऊपर इसी तरीके से अप्लाई कर लिया है। वेरी अफोर्डेबल और बजट फ्रेंडली कंसीलर है दोस्तों ये, और अब डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने इस तरीके से इसको अपने आईज पे इस तरीके से अप्लाई कर लिया है। और अब मैंने लिया है फिट मी का ये कॉम्पैक्ट पाउडर और अब मैं अपने इस कंसीलर को आई वाले को अच्छे से इस तरीके से लॉक कर दूंगी ताकि हम आई मेकअप करें तो अच्छे से हो जाए। अब मैंने लिया है मॉर्फी का आई शेडो पायलट और उसमें से लिया है मैंने ट्रांजिशन शेड और ये शेड बहुत लाइट कलर का है और उसको मैं अपनी इस तरीके से अपनी पूरी आई लिड के ऊपर इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ, दोनों आईज पे इसी तरीके से मैं ट्रांजिशन शेड अप्लाई किया है। और अब मैंने लिया है थोड़ा सा ये ब्लैक कलर, लाइट ब्लैक कलर, और मैं अपने आउटर वी पे इस तरीके से इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने आईज को एक शेप देने के लिए। तो मैंने आउटर वी पे ये दोनों पे अपनी आईज पे इस तरीके से अप्लाई करने के बाद मैंने लिया है मैजिक फ्लावर का जेल लाइनर जो मैंने अपने आईब्रो के ऊपर अप्लाई किया था। अब मैं दोनों आई लिड पे इसको इस तरीके से लगा लूंगी अपनी आईज के, क्योंकि मैं एक बेस तैयार कर रही हूँ और उसके ऊपर मैं फिर इसके ऊपर दोस्तों एक डार्क मेहरून कलर अप्लाई करूंगी। पहले मैं इसको मर्ज कर लेती हूँ, जो ये वाला मैंने जेल लाइनर इस तरीके से लगाया है अपनी पूरी आई लिड के ऊपर, ताकि इसमें कोई भी हार्श लाइन ना दिखाई दे जब मैं दूसरा कलर इसके ऊपर अप्लाई करूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों पार्टी वियर आई मेकअप में। तो अब मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का, आप देख सकते हैं, छोटू सा अल्टीमेट प्रो आई शेडो और उसमें से मैंने लगाया है डार्क मैरून कलर और इसको मैंने फिंगर की हेल्प से अब इस तरीके से कर दिया है। फिर मैं ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से
फाइनल टच दे दूंगी और दोनों आईज पे मैंने सेम इसी तरीके से अप्लाई किया है जैसे मैंने अपने फर्स्ट आई पे आपको दिखाया था, जेल लाइनर ब्लैक और उसके ऊपर मैंने ये मैरून कलर इस तरीके से अप्लाई कर दिया। अब मैंने अपने ब्रोज को कर लिया है हाईलाइट हाइलाइटर से, फिंगर की हेल्प से आप देख रहे हैं। और दोस्तों अब मैंने लिया है एन बाई वे का लाइनर और ये लगाने में बहुत बहुत ही स्मूथली है। आपको जिस तरीके का भी लाइनर आपको लगाना है बहुत आसानी से आप इसको लगा सकते हैं और वेरी अफोर्डेबल ये वाला लाइनर है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। सबसे अच्छा लगाने में बहुत ईजी है। अब मैंने कर लिया है अपने लेसेस को फोल्ड और मैं अब अप्लाई करूँगी फोल्ड लेसेस। और दोस्तों फोल्ड लेसेस नकली पलके कैसे लगाएं, फोल्ड लेसेस कैसे अप्लाई करें, इसके ऊपर मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली है, आप जाके मेरे चैनल पे जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपको आसानी से पता लग जाए कि आप ये फोल्ड लेसेस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और अब मैंने अपने फेस पर लगाया है स्विस ब्यूटी का प्राइमर, पोर्स फ्री प्राइमर है दोस्तों। हमारे फेस पर जो भी पोर्स हैं उसको ये मिनिमाइज कर देता है और हमारे बेस को बहुत ही सटल और सुंदर लुक देता है। और आज का मैं मेकअप लुक कंप्लीट करने वाली हूँ सुनीसा वाटरप्रूफ एयर कुशन सीसी क्रीम बेबी क्रीम, इसके ऊपर डिटेल वीडियो में डाल चुकी हूँ और उसी के ब्लेंडर से जो उसके अंदर मिलता है पहले मैं इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ये स्वेट प्रूफ वाटरप्रूफ वाली सीसी बेबी क्रीम फाउंडेशन है तो गर्मी के लिए बहुत बेस्ट है पार्टी इवेंट फंक्शन के लिए। और अब मैंने इसका सिर्फ हल्के से दो कोट लगाए हैं, आज मैं कोई कंसीलर नहीं अप्लाई करने वाली हूँ और आप देख सकते हैं कितना नेचुरल बेस इससे आया है दोस्तों, बहुत ही नेचुरल। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी फिनिशिंग भी कितनी ज़्यादा अच्छी आई है, इसका बेस देख रहे हैं आप इस तरीके का आया है। और अब मैंने लास्ट में डैम ब्यूटी ब्लेंडर से एक तरीके से इसको इस प्रकार सेट कर दिया है ताकि फेस पे अब एक फ्लॉलेस लुक आए। अब मैंने लिया है एन वाई बे का ये लिक्विड कॉन्टोर और इससे मैं कर रही हूँ अपने फेस को कॉन्टोर, आप देख रहे हैं फोरहेड चिन जो लाइन सब जहाँ जहाँ मैं करती हूँ इस तरीके से अपने फेस को एक अच्छा सा स्ट्रक्चर देने के लिए आप इस तरीके से कॉन्टोर करें लिक्विड कॉन्टोर। तो खासकर पार्टी फंक्शन में आप लिक्विड कॉन्टोर इस तरीके से करें तो बहुत अच्छा लुक आपका फेस का आएगा। और अब मैंने अपने नोज़ को भी कर लिया है, देख रहे हैं कॉन्टोर, मेरा नोज़ काफ़ी पतला है पर फिर भी मैं इसको थोड़ा सा और शार्प देने के लिए कॉन्टोर हमेशा करती हूँ। और अब एक मीडियम ब्रश की हेल्प से मैं अपने कॉन्टोर को कर रही हूँ सेट। ब्रश आप देख रहे हैं दोस्तों जब हम कॉन्टोर फाइनल करते हैं तो ब्रश को हमेशा आपको ऊपर की तरफ चलाना है नीचे की तरफ नहीं क्योंकि उससे बहुत अच्छे से आपका कॉन्टोर सेट हो जाता है। अब मैंने पूरे अपने ऑल ओवर फेस के कॉन्टोर को सेट कर लिया है और ये बीबी क्रीम सीसी क्रीम सुनीसा है उसका आज आप बेस देख रहे होंगे बहुत ही लाइट बेस आया है तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हैं इवेंट फंक्शन के लिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है और वाटरप्रूफ और स्वेट प्रूफ भी है। डिटेल वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके चेक करें तब आपको इसके बारे में अच्छे से पता लग जाएगा कि आपको कहाँ से परचेज करना और कैसे लेना। अब मैंने लिया है ये वाला बनाना पाउडर, बहुत ही लाइट वेट बनाना पाउडर है शुगर का, ऑल सेट टू गो बनाना पाउडर। और इससे मैं अपने पूरे फेस का जो बेस है उसको लोक कर रही हूँ इस तरीके से, बहुत ही नेचुरल पाउडर है दोस्तों, लगाने के बाद पता ही नहीं लगता। और अब मैं लगा रही हूँ फेसिस कनाडा की पैलेट में से ये पाउडर कॉन्टोर ले रही हूँ और अब सारा इस तरीके से मैंने अपने कॉन्टोर को इस तरीके से पाउडर कॉन्टोर से अपने फेस को इस तरीके से एक बार और सेट कर लिया है। लिक्विड कॉन्टोर के ऊपर हमेशा अगर आप लिक्विड कॉन्टोर करते हैं तो उसके ऊपर पाउडर कॉन्टोर करना बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से मैंने इस नोज को भी एक शार्प लुक दे दिया है कॉन्टोर की हेल्प से। और अब मैंने लिया है एलेटिन का आई ड्रामा काजल और अपनी आईज़ की लोअर वाटर लाइन पे और अपर वाटर लाइन दोनों पे ही मैंने इस तरीके से इसको अप्लाई कर लिया है। और अब मैंने जो मेहरून कलर मैंने अपनी आईज़ के ऊपर जिससे मैंने अपना आई मेकअप किया है वो ही अब मैं सेम अपनी आईज़ के नीचे इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ ब्लैक काजल के नीचे ताकि एक फ्रेश सा लुक आए और इनर कॉर्नर को इस तरीके से हाईलाइट कर लिया है दोस्तों।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप पूरा फेस कंप्लीट करने के बाद ये जरूरी करना, अपने आई स्कैनर कॉर्नर को हाईलाइट करना। ये छोटे छोटे स्टेप आपके मेकअप में चार चांद लगा देते हैं। अब मैंने लिया अपना फेवरेट ब्लशर, वो भी फेसिस कनाडा का, बहुत ही नेचुरल पिंक कलर आता है दोस्तों। इससे आपने देखा होगा मैं बहुत बार इसको यूज करती हूँ, और भी मैंने मंगाए हुए हैं ब्लशर, पर मुझे इतना पसंद आता है ना, तो क्योंकि समर सीजन है तो मैं लाइट ही प्रीफर करती हूँ कि आपके फेस पर एक नेचुरल पिंकिश, बस आपका ब्लशर हो पिंकिश, आपके फेस पर ग्लो हो, वही मैंने यूज किया है। और ये वेट एंड वाइल्ड का दोस्तों ये हाईलाइटर, और ये बेक्ड हाईलाइटर है, काफ़ी अच्छा हाईलाइटर है। आप देख रहे हैं कि कितना नेचुरल इसने लुक दिया है, कोई चंकी पार्टिकल फेस पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अपने फेस के जो हाईलाइटेड पॉइंट है नोज पे, फोरहेड पे, सब जगह मैंने इसको अप्लाई कर लिया। अब मैंने लगाया है दोस्तों अपने लिप्स पर एक बड़ा प्यारा सा शेड, और ये है स्टोइकोवेकी का वेक अप लाइक दिस शेड नंबर 3, और बहुत बहुत अच्छा ये शेड है, मुझे बहुत पसंद आया। और सबसे अच्छी बात है बहुत ही बजट फ्रेंडली लिक्विड लिपस्टिक मुझे लगे, उसका शेड बहुत अच्छा है, आई लव दिस। आप देख रहे हैं मैं लगा के इसको कितना खुश हो गई हूँ। और अब मैंने लिया है ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर अपने पूरे मेकअप को लुक करने के लिए। इसके अंदर एलोवेरा और विटामिन ई है, ये हमारे फेस को अच्छा सा। अब मैंने ली है सिल्वर ज्वेलरी, और मैं इस तरीके से आज ये एंटिक ज्वेलरी कैरी कर रही हूँ। आप चाहे तो गोल्ड, आप चाहे तो सिल्वर, इस कोई भी अपनी पसंद की ज्वेलरी कैरी कर सकते हैं, मांग टीका हटा सकते हैं, रख सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। ये है मेरा ऑल ओवर लुक दोस्तों। अगर आपको आज का मेरा पार्टी वेयर लुक पसंद आया है, वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक पसंद आया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स को में बताइएगा, क्योंकि एक मेकअप लुक क्रिएट करने में मुझे 2 से 3 घंटे 3.5 घंटे लग जाते हैं सोच के क्रिएट करने में, तो आपका एप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब।